आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिटक बैच टेन फ्री लांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज थ्री का सलूशन सबसे पहले इसके लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट फॉर द पोर्टफोलियो प्रेजेंट योर पोर्टफोलियो टू द क्लाइंट क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑन अ फ्री पोर्टफोलियो होस्टिंग वेबसाइट आपको फ्री पोर्टफोलियो होस्टिंग वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए अपने बेस्ट काम को इन अ पोर्टफोलियो बनाकर अपने क्लाइंट क्लाइंट तक प्रेजेंट आउट करना है अगर हम फ्रीलांसिंग करते हैं तो अक्सर ये होता है कि क्लाइंट हमें हायर करने से पहले कहता है कि आपका कोई पोर्टफोलियो है तो आप मुझे वो दिखाएं और आधे से ज़्यादा लोग सिर्फ पोर्टफोलियो ना होने की वजह से अपना अच्छा क्लाइंट हमेशा खो देते हैं तो इसलिए पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अगर आप कभी भी किसी भी फील्ड के अंदर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं <coughs> सबसे पहले हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं तो कहता है मेंटेन अ गुड पोर्टफोलियो इज़ अ ग्रेट वे टू शोकास्ट योर टैलेंट पोर्टफोलियो को मेंटेन करना इन अ ग्रेट वे आपके टैलेंट को शो करता है पोर्टफोलियो आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन विनिंग द ट्रस्ट ऑफ योर क्लाइंट अगर आपके पास आपका पोर्टफोलियो है तो आधा ऑर्डर तो आप समझ लीजिए कि आपको वहीं पर मिल गया बिकॉज क्लाइंट पे जो आपका ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो अप हो गया क्लाइंट को पता है कि ठीक है ये एक अच्छा फ्रीलांसर है, है, इसने अपना बना कर रखा है। अपने काम को बनाकर रखा है अपने को हायर करना चाहिए। तो आप कितना अहम किरदार अदा करता है आपके फ्रीलांसिंग करियर के अंदर इट इंक्लूड लिंक इमेजेस एंड स्क्रीन शॉट ऑफ वर्क आपके पोर्टफोलियो के अंदर लिंक इमेजेस और स्क्रीन शॉट अवेलेबल होने चाहिए आपके वर्क से रिलेटेड इन दिस एक्सरसाइज यू विल क्रिएट योर पोर्टफोलियो इमेजेस एंड मैनेज टू प्रेजेंट द स्किल रिलेटेड वर्क दैट यू मे हैव प्रीवियसली कंप्लीटेड और क्रिएटेड न्यू वर्क सैंपल्स टू टू शो व्हाट यू कैन ऑफर द क्लाइंट आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर अपने पोर्टफोलियो इमेज को मैनेज करना है अपने स्किल सेट के अकॉर्डिंगली और उसके बाद जो है क्या कहते हैं आपको उसको शोकास्ट करना है क्लाइंट से रिलेटेड इस वाली एक्सरसाइज के अंदर दो टास्क हमें प्रोवाइड किए गए हैं तो चलिए ये एक एक कर, कर उन दोनों टास्क को हम देख लेते हैं टास्क वन के अंदर पार्ट ए में कहता है सिलेक्ट द स्किल सेट ऑफ योर इंटरेस्ट अब तक आपको फ्रीलांसिंग पढ़ते हुए फ्रीलांसिंग करते हुए डिजिट स्किल के अंदर ये चीज तो पता चली गई होगी कि आपका खुद का स्किल सेट क्या है और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी सर्विस फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो या फिर डिजिट स्किल में फ्रीलांसिंग के साथ जो भी दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ रही हो वो आपका स्किल सेट है यहाँ पर इसके बाद

अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आपने जो भी काम जो भी चीजें डिजाइन आउट किए हैं, आपको उसको जो है शोकास करना है इस एक्सरसाइज के अंदर और अगर आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं हैं, तो आप क्या चीज प्रेजेंट आउट करेंगे उसके लिए इस वीडियो के साथ बने रहिएगा मैं एक एक कर, कर बताऊंगी स्टफ रिलेटेड टू दैट अब चलिए अब अपनी एक्सरसाइज के टास्क वन को हम सबसे पहले करना शुरू करते हैं टास्क वन के अंदर पूछ रहा है सिलेक्ट स्किल सेट ऑफ योर इंटरेस्ट तो हम यहाँ पर लिखेंगे माय स्किल सेट इज ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपकी स्किल सेट ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है तो डोंट वरी क्योंकि मैं आपको आगे चलकर बताने वाली हूं कि हम क्या करने वाले हैं अब हमारा यहाँ पर टास्क नंबर ए कंप्लीट हो गया कि हमने अपना अपना स्किल सेट लिख लिया अब आप डिजिटल मार्केटिंग लिख लो ई कॉमर्स लिख लो ऑटो ऑटोकैट लिख लो क्रिएटिव राइटिंग लिख लो वर्ड प्रेस एस सी ओ एंड सो ऑन जितने जो भी आप कोर्स कर रहे हो या जो भी आप के कितने सर्विस प्रोवाइड करते हो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो इस टास्क के अंदर देन कहता है प्रोवाइड एटलीस्ट इमेजेस रिलेटेड टू योर स्किल अब ग्राफिक डिजाइनर मैं यहाँ पर अपने तीन इमेजेस को इंसर्ट कर रही हूँ अपने काम के जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी कोई और फील्ड है तो आप उससे रिलेटेड क्या स्क्रीन या क्या इमेजेस यहाँ पर प्रोवाइड करोगे सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स की अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक्सरसाइज वन के अंदर एक अदद पेज क्रिएट किया था अगर आपको याद हो तो उसके स्क्रीनशॉट्स आपको प्रोवाइड करने हैं आप जो है उसके एड कैंपेन के स्क्रीन शॉट्स प्रोवाइड कर सकते हो यानी कि अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो आपने टास्क एक्सरसाइज वन के अंदर जो भी टास्क प्रोवाइड किए थे आप उनके स्क्रीन शॉट आसानी से इस वाली एक्सरसाइज के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं देन देयर इज अ कैटेगरी कॉल वर्ड प्रेस अब वर्ड प्रेस वाले स्टूडेंट्स किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो शोकास्ट करेंगे आपको यहाँ पर आपके कोई भी तीन पोस्ट जो हैं उनको शो करना है उनके फीचर इमेज के साथ साथ कुछ टेक्स आप ले लो और उस टेक्स को आप जो है यहाँ पर शोकास्ट कर दो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है उनको यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को लेकर जो है क्या कहते हैं उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है एंड देन उनके आपको इमेजेस को प्रोवाइड करना है देन देयर इज अ थिंग कॉल क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आपको एक्सरसाइज वन के अंदर जो आपका टास्क लिखना था आप वो वाले टास्क का स्क्रीन लोगे और उसे यहाँ पर इंसर्ट करोगे और एक्सरसाइज थ्री के अंदर आपसे जो न्यूज़ प्रेस मांगी गई थी आपने उसको यहाँ पर इंसर्ट आउट करना है इसी तरीके से जो ई e कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं हमारे पास ई e कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि आपको याद होगा कि एक्सरसाइज टू के अंदर हमने जो है वो अपना एक अदर अदरियो आउट बनाया था जिसमें हमने टी शर्ट डिजाइन की थी अपनी शॉपिफाई के लिए आपको उसी तरीके से दो तीन टी शर्ट्स को डिजाइन कर कर और शॉपिफाई के वो वाले इमेजेस आपको लेकर यहाँ पर इंसर्ट आउट करने हैं डिजिटल लिटरेसी के स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज टू के अंदर जो है वो एक अदर चार्ट बनाने को मिला था उसी तरीके से दोस्तों दो चार्ट को और बना लीजिए और उसे आप यहाँ पर इंसर्ट आउट कर सकते हैं ऑटो कैट वाले को आपके पास एक और चीज थी जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही उन दोनों का और आज की एक्सरसाइज के लिए जो आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिला है उन तीनों के एक एक स्क्रीन को लेकर आप यहाँ पर इंसर्ट आउट कर सकते हो तो ओवरऑल मैंने सारे के सारे कैटेगरीज को जो है वो कवर अप कर लिया अगर कोई कैटेगरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज अ ग्राफिक डिजाइनर मैंने तीन पोर्टफोलियो इमेजेस अपने यहाँ पर प्लेस आउट कर दिए हैं पहला पोर्टफोलियो इमेज मेरा लोगो है देन देयर इज अ पोस्टर ऑफ नाइटमेयर जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बनाना आपको सिखाया है उसका इमेज है एंड देन देर इज़ अ इमेज ऑफ द ईद अलजा कार्ड दैट आई हैव जस्ट मेड तो इस तरीके से मैंने अपने पोर्टफोलियो के तीनों के तीनों इमेजेस को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और आपने भी सेम इसी तरीके से अपने अपने इमेजेस के अपने अपने वर्क के अपने अपने इमेजेस के स्क्रीन लेकर यहाँ पर इंसर्ट आउट कर देने हैं क्लास नंबर टू की तरफ जाने जलते हैं अब और उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फ़ेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि अगर आपको एक्सरसाइज या कोस करते हुए कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप आसानी से मुझसे यहाँ पर मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से आसानी से मिल जाएगा यहाँ तक हमने अब अपना टास्क वन कंप्लीट कर लिया उसके दोनों जो हमारे पास पॉइंट्स थे हमने उसको आसानी के साथ कंप्लीट आउट कर लिया अब हम टास्क टू की बात करते हैं तो कहता है रजिस्टर ऑन एनी ऑफ द फ्री पोर्टफोलियो होस्टिंग वेबसाइट एंड अपलोड योर पोर्टफोलियो अभी जो आपने तीन इमेजेस को अपने पास जो है कि कहते हैं इंसर्ट किया है टास्क नंबर वन के अंदर आपको उन्हीं तीनों के तीनों इमेजेस को गिवन वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना है एज अ पोर्टफोलियो तो यहाँ पर आपको तीन वेबसाइट प्रोवाइड की गई हैं जिसके अंदर को क्रोलोफ्रॉड क्रीवेडो एंड फ्लिकर की वेबसाइट शामिल है तो मैं यहाँ से क्रीवेडो की वेबसाइट का यूज़ कर रही हूँ और अगर आप चाहो तो आप भी सेम वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो इस तरीके का कुछ इंटरफेस है इस वेबसाइट का और सबसे पहले हम यहाँ पर साइन अप करेंगे साइन अप करने के लिए आपको साइन अप वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और आप अपना जी मेल का अकाउंट यूज करके भी साइन अप कर सकते हो और अपने फेसबुक के अकाउंट से भी आप साइन अप कर सकते हो तो हम यहाँ पर साइन अप यूजिंग गूगल वाले अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे अभी पे यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको सिक्योरिटी चेक बताना है कि आप रोबोट हैं या नहीं तो आप उस पर बता दीजिए एंड बाय द वे यहाँ पर आपको इस प्रोसेस को करने के लिए अपने जी के थ्रू पहले लॉग इन रहना होगा देन हम यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अभी आपसे आपके अकाउंट्स का पूछ रहा है जो भी आपका अकाउंट है जिससे भी आप लॉग इन करना चाहते हो उससे आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉग कर जाइए जैसे मैं इस अकाउंट से लॉग इन करूँगी ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा और रीडायरेक्ट करने के बाद ये मुझे इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर ले आएगा तो ठीक है अभी यहाँ पे बोल रहा है कि वी हैव सेंड यू द वेलकम ईमेल टू आपकी ईमेल पे तो आपको जो है क्या कहते हैं उसको भी वेरीफाई करना है बट वी विल डू दैट लेटर अब हम यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे कंटिन्यू के बाद बोल रहा है कि आपको यहाँ पर एक को ओवरव्यू दे रहा है इस सब चीज से रिलेटेड कि क्या चीज़ आपकी गैलरी है क्या चीज़ आपकी पेजेस हैं किस तरीके से आपने इसको अपलोड करना है तो इस तरीके का इंटरफेस होगा आपके पास और अब आपको यहाँ पर अपलोड योर वर्क का एक ऑप्शन मिल रहा है इन गैलरी मिल रहा है गैलरी का टाइटल डिस्क्रिप्शन क्लाइंट का नाम अगर आप स्पेसिफिकली इसको प्रोवाइड करना चाहते हो तो अब आपको सबसे पहले यहाँ अपलोड वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और हम यहाँ से जो है वो अपना पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे तो मैं यहाँ से सबसे पहले अपनी ये वाला इमेज जो मेरा लोगो था इसको अपलोड आउट कर देती हूँ देन बाकी के दो इमेजेस को भी हम अपलोड करेंगे ठीक है अब यहाँ पर ये इमेज आपका आ गया देन ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसका टाइटल बताइए तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ महक लोगो आपने भी जो है क्या कहते हैं सेम इसी तरीके से लिखना है अगर आप टैग्स लिखना चाहते हो तो आप टैग्स लिख सकते हो मैं यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग के अकॉर्डिंगली टैग्स को लिख रही हूँ लेकिन अगर आपके कोई और जो है कि कहते हैं फील्ड है तो आप उससे रिलेटेड टैग लिख सकते हो जिस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग इसके अलावा फेसबुक मार्केटिंग इंस्टा मार्केटिंग क्रिएटिव राइटिंग ऑटो कैट जो भी स्किल सेट आपने लिखा हो उसे यहाँ पर टैग्स में लिखने के बाद आपने सेव कर देना है तो चेंजेस आपकी जो है वो सेव आउट हो जाएंगी यहाँ पर अब हम दोबारा से अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर मैं अपनी दूसरी पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करूँगी इसी तरीके से आपको तीसरी पिक्चर को भी अपलोड करना है उसके भी टैक्स को प्रोवाइड करना है और उससे रिलेटेड भी स्टाफ को जो है वो आपने प्रोवाइड आउट करना है तो जल्दी जल्दी से मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड आउट कर देती हूँ ठीक है ऑप्शनल अटैक्स बिल्कुल भी जो है क्या कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसको लिखें लेकिन अगर लिखेंगे तो अच्छी बात रहती है तो फिर मेक श्योर कीजिएगा कि इसको ज़रूर लिखिए थर्ड पिक्चर अपनी अपलोड कर देती हूँ यहाँ पर जल्दी से ताकि हमारा ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट आउट हो जाए काफ़ी आसान सी एक्सरसाइज फ्री की ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सरसाइज नहीं है ये Uh, के कहते हैं आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पता है कि आपने मुझसे इससे रिलेटेड कहाँ पर अपनी क्यूरी को पूछना है तो एक एक करके मैंने अपनी तीनों की तीनों पिक्चर्स को अपलोड आउट कर दिया अब हम यहां से गैलरीज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर माई वर्क के अंदर देखें हमारी तीनों की तीनों पिक्चर्स आ गई हैं एक एक कर कर यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से तो अब हम यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छा एक काम आसान कीजिएगा यहाँ पर मैं करना भूल गई थी आप लोगों को क्या करना है एक आसान काम जब आप इस तरीके से गैलरी के अंदर इसे इंसर्ट आउट करोगे ना तो इसका स्क्रीन लेकर वहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा मैं यहाँ से ले लेती हूँ इस तरीके से स्क्रीन और इसे जाकर मैं अपनी एम एस वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट कर देती हूँ हो सकता है कि अगर आप फ्लिकर या दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर इस चीज को बनाओगे तो ये जो है क्या कहते हैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप का लुक हो एक जैसा ना हो बिल्कुल अलग से एक साथ जो है के कहते हैं ये चीजें आपको अवेलेबल हो रही हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपने अकॉर्डिंगली वेबसाइट को चूज आउट कर सकते हो मैंने अपने अकॉर्डिंगली वेबसाइट को चूज किया है तीनों का स्क्रीन ले रही हूँ ताकि जो है ये बात पता रहे कि हमने तीनों चीजों को अपलोड आ कर दिया है मीडिया इन द गैलरी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ठीक है तो इस तरीके से जो है है टाइटल पे मैंने माय माय वर्क लिखा है अगर आप गैलरी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे दें और अगर कोई स्पेसिफिक क्लाइंट है तो जिस तरीके से मैं यहाँ लिख देती हूँ स्किल्स और इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ तो यहाँ पर ये यह सेव हो जाएगा तो अब यहाँ पर हमारी गैलरीज वगैरह जो है वो बन गई हैं अब जब आपने तीनों के तीनों इमेजेस का स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू योर पोर्टफोलियो इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपके पास यहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपका पूरा का पूरा लुकअप आ जाएगा तो इसका भी हम यहाँ से एक स्क्रीन ले लेते हैं और इसे भी हम अपनी एम एस की फाइल के अंदर इंसर्ट कर देंगे तो इस तरीके से आप आसानी से अपनी फ्री की एक्सरसाइज थ्री को कम्प्लीट कर सकेंगे और कम्प्लीट करने के आप इसे आसानी से सबमिट करवा सकते हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी अगर डिजिस्किल में फ्रीलांसिंग के अलावा आपका कोई और से, तो उस कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज और हो के सोल्यूशन आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और अगर चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए आपसे मिलूंगी किसी और वीडियो के अंदर तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त